वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफ स्टाइल प्रीति चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ, एक्चुअली बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्टन की थी, जो मैं पिछला वीडियो बनाई थी बैकलेस ब्लाउज का, जो कि पैडेड ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं था और आप लोगों ने देखा वो बैकलेस, फुल्ली बैकलेस था और उसमें सिर्फ रिबन लगे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप कैसे उस ब्लाउज को मैनेज की। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दी हूँ, बट मुझे लगा कि यार अगर इतने ज़्यादा लोगों को जागरूक हैं ये चीज़ जानने के लिए, जानना चाहते हैं, तो जस्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि मैं कैसे अपने बैकलेस ब्लाउज को मैनेज करती हूँ जो बिना पैडेड है। तो जैसे ये मेरा एक ब्लाउज है, काफ़ी आप देख सकते हो, बहुत बार मैं इसे वीडियोस में वियर भी की हूँ। इसका बैक देख सकते हो कितना ज़्यादा डीप है ये, और फ्रंट भी अच्छे है, अच्छा खासा से फ्रंट सही है, बट बैक पूरी तरीके से, और ये बिना पैड के है। आपको ओपनली मैं दिखा दे रही हूँ, ये मैं स्टिच कराई थी, आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा शायद, तो ये स्टिच कराई थी। तो डीप नेक मुझे बैकलेस ब्लाउज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मेरे जैसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी ब्लाउज पसंद है, मुझे भी है इनफैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतना चौड़ा है ये पीछे, तो ये भी बैकलेस ब्लाउज है हमारा, जिसे मैं, आप देख सकते हो बिल्कुल भी अंदर पैड वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। तो इसे मैं वीडियोस में कैसे वियर करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो मैं, हमारा जो ये ब्लाउज़ है, अगर हम जबकि ऐसा बिना पैड वाले ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज वियर करते हैं, तो हमें सबसे पहले, अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी, बट अभी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे ब्लाउज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप जैसे किसी पार्टी फंक्शन के लिए ऐसे ब्लाउज नॉर्मली हम पैड वाले ही स्टिच कराते हैं, बट बाय चांस ऐसा होता है हमारी एकदम से किसी फंक्शन के लिए अचानक से हम सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें ये वाला ब्लाउज इसके साथ अच्छे से जा रहा है, ये पहनना है, वो पहनना है, और कम टाइम है, तो ऐसे में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली ब्लाउज के साथ ही इस हैक को ट्राई करना होगा, तभी आप इस हैक को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैकलेस ब्रा वगैरह मार्केट में है, उसे भी आप ले सकते हो, बट नहीं ले सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो है ब्लाउज, इसे मैं वियर करती हूँ, फिर आगे का चीज़। यहाँ पे मैं ब्लाउज़ वियर करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो, और ये मेरा अभी जस्ट मैंने दिखाया, इसमें कोई भी कप पैड वगैरह नहीं यूज़ किया हुआ है, और ये फुल्ली बैकलेस है, और इसे मैं अपनी नॉर्मल ब्रा के साथ पहनी हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि मैं अपना ब्रा वियर की हूँ इसके ऊपर। और ये ब्लाउज़ मेरा थोड़ा सा लूज है, क्या अच्छा खासा लूज है, बट आप इस हैक को जब भी ट्राई करना, तो अपनी अच्छी खासी फिटिंग वाले ब्लाउज़ के साथ इस हैक को ट्राई करना। अगर आप किसी पार्टी, वेडिंग फंक्शन या किसी पार्टी में अगर इस हैक को ट्राई करना चाह रहे हैं तो, और आपके पास टाइम कम है, तो झटपट के लिए ये हैक बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैं अपने बहुत 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 सारे वीडियोस में इस हैक को ट्राई करती हूँ, और तभी शायद आप लोगों ने ये चीज़ पूछा मेरे से, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी गाइडलाइंस अच्छी लगती हैं। सो मैं अपने ब्लाउज़ को, बैकलेस ब्लाउज को कैसे मैनेज करती हूँ, मेन रीज़न यही था बताने का। सो ये ब्लाउज लूज है, बट आपको अच्छी खासी फिटिंग वाली ब्लाउज के साथ इस हैक को ट्राई करना है, अगर आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो मैं वीडियोज़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं कभी कभी ऐसे भी कर लेती हूँ, मैं ऐसे मीन्स कि थोड़ी लूज ब्लाउज है तो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि ये, या फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन वगैरह लगा लेते हैं, बट और यहाँ पे आपको स्ट्रेप्स, यहाँ पे ये ब्लाउज लूज है तो थोड़ा सा स्ट्रेप दिखेगा, इसलिए मैं बोली इस हैक को, तो एक सेफ्टी पिन लेना, ये बड़ी वाली है, और ये खुद से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट अगर आपके घर में कोई है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, और लेके इसे अंदर से इस तरीके से पिनअप करके, उसके बाद स्ट्रेप्स जो है इस तरीके से हो जाएंगे, फिटिंग वाली ब्लाउज रहेगी, तो इतना आपका साइड से भी कुछ इशू नहीं होगा, तो आपको उतना पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मे बी के लिए मैं ये बता दे रही हूँ, उसके बाद ये देख सकते हो मैं आपके रेडियो को बांध लेती हूँ। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे स्ट्रेस थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पिन की ज़रूरत है, यहाँ पर पिन यूज़ कर सकते हैं हम, तो देखते हैं कोशिश करके अगर मेरे से हो पाता है, शायद अंदर से तो नहीं हो पाएगा, बाहर से ही हो पाएगा,
जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं ब्लाउज के बारे में कुछ बता रही हूँ तो प्रॉपर डिटेल में बताना जरूरी होता है। तो इसे मैं बाहर से लगा के दिखा रही हूँ, बट इसे आपको छोटी वाली पिन यूज़ करनी है, सेफ्टी पिन, वो भी अंदर से, या फिर एक आती है जो जिससे हम निशान वगैरह मार्क वगैरह के लिए यूज़ करते हैं पिन, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो इजली हो जाएगा, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास नहीं दिख रहा था तो मैं यही थी, इसके साथ मैं ये मेरा प्रॉपर आप देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे स्टेप्स की मैं रीज़न बताई कि यहाँ पे ये ब्लाउज है मेरा थोड़ा सा लूज और मैं इसे अंदर से खुद से लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है यहाँ पे। बट अगर आप अपनी फिटिंग वाले ब्लाउज के साथ यूज करोगे तो ये दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आती भी है तो आप इसे आप किसी के हेल्प से छोटी वाले सेफ्टी पिन या फिर एक पिन आता है जिससे हम ऐसे स्कर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं स्टिचिंग के टाइम, वो वाली पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इजली हो जाएगा। बट आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ के लिए कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप हेयर से भी इस तरीके से हाइड कर सकते हैं जैसे कि मैं कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो कप्स लीजिए, जो पैड आते हैं ब्लाउज के लिए उस पैड को लीजिए और अपने बैकलेस ब्लाउज के ऊपर, आप लंबे समय तक आप पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं अपने बैकलेस ब्लाउज के साथ, तो आप कप लीजिए, उसे कप को अंदर डालिए और उसे स्टिच कर दीजिए साइड साइड से छोटी छोटी धागे से, छोटी छोटी सी जगह पर, मतलब थोड़ा कैसे थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टिच कीजिए, थोड़ा सा ऐसे, मतलब उसके शेप में 3 से 4 टाँके लगा लीजिए, तो फिर प्रॉपर आपकी जो ब्लाउज है वो एकदम से पक्की वाली बन जाएगी। तो आप इसमें काफ़ी टाइम तक आप बैकलेस ब्लाउज को वेयर कर सकते हो रियल लाइफ में भी, तो ऐसे आपकी ब्लाउज जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी, स्ट्रेस भी दिखने की झंझट खत्म, तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस में अपने बैकलेस ब्लाउज को बिना पैड वाले ब्लाउज को मैनेज करती हूँ, वीडियोज़ को मैं यूज़ करती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। तो चलिए एक बार मैं इस लुक को इस दुपट्टे के साथ ट्राई करके आप लोगों को एक साड़ी वाला लुक भी दिखाना तो बनता है, उसके साथ भी दिखा देती हूँ कि कैसा प्रॉपर। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं बाहर में भी सूट की हूँ, बट इतना ज़्यादा मतलब धूप और ब्राइटनेस था कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था यहाँ पे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर दी। और हाँ, मेरे ब्लाउज़ बहुत सारे ब्लाउज़ ऐसे होते हैं जिनमें आपके मीडियम डीप नेक होते हैं, फिर भी ये ब्रा के स्ट्रिप्स शो होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं, तो उसके लिए भी इस हैक को आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में जो थोड़ा बहुत मेरे स्ट्रिप्स विजिबल हो रहे हैं उसके लिए मैंने बताया रीज़न कि मैं मेरे अभी फ़िलहाल कोई नहीं था कि मैं किसी से हेल्प लेके अपना पिनअप करा लूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत विजुअल हो सकता है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तभी आपको छोटू छोटू सी हैक्स मैं जो बीच बीच में बताई हूँ वो समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिए अगर यूजफुल लगता है तो। और देखिए मेरा फाइनल लुक डिफरेंट स्टाइल में, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एक छोटू सा कमेंट कर दीजिए। सो फ्रेंड आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को यूजफुल और इंटरटेनिंग लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है और पसंद आती है, मेरा फैशन स्टाइल करने का तरीका, छोटे छोटे हैक्स, ब्यूटी टिप्स, सारी ड्रेसिंग स्टाइल, ब्लाउज हैक्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक को देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई सजेशन हो, टिप्स हो, आइडिया हो तो एक छोटू सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो या चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।